हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे आज की एक और सर्वाइविंग वीडियो में। तो आप इसे कैंपिंग वीडियो भी कह सकते हैं, क्योंकि आज सर्वाइव करने के लिए मेरे पास फूड भी है और हैमॉक भी है, जिसमें कि मैं पूरी नाइट सर्वाइव करूंगा। और आज का मौसम काफ़ी ख़तरनाक हो रखा है और बारिश भी आ रही है हल्की हल्की सी, और हवा भी चल रही है। बारिश के तेज़ होने से पहले मुझे कहीं पे अच्छा सा लोकेशन देखना पड़ेगा, जहाँ पर कि मैं पूरी नाइट अच्छे से सर्वाइव कर लूँ। गाइज, जो ये दो पेड़ है ना, इनके बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम है, तो हैमॉक सेट करने के लिए मुझे वैसे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस वाला पेड़ चाहिए था, लेकिन ऐसा मिल नहीं रहा है। बाकी जो पेड़ मिल रहे ना, तो उन पे काई बहुत ज़्यादा जम रखी है, तो पेड़ में पूरा फिसलन जैसा उड़का, तो उस पर हैमॉक सेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये दो पेड़ थोड़ा सा सही लग रहा है, डिस्टेंस कम है तो मैनेज कर लूँगा, लेकिन फिसलन वाले पेड़ पर ना हैमॉक बिल्कुल भी सेट नहीं हो पा रहा है, जो रस्सियाँ एकदम से फिसल जा रही है। तो ये दो पेड़ मैंने सेलेक्ट करा है, तो इसी पे मैं हैमॉक को सेट करने वाला हूँ। तो जंगल भी आज काफ़ी ख़तरनाक है, तो हैमॉक में सर्वाइव करना भी रिस्की हो सकता है, तो हैमॉक की हाइट भी आज थोड़ी सी ज़्यादा रखना पड़ेगा। बाकी हवा और बारिश का ज़्यादा खतरा नहीं होगा वैसे यहाँ पे, क्योंकि दोनों पेड़ से ना जो नीचे का सरफेस है पूरा कवर हो रखा है, तो भीगना तो मुझे पता है, अगर बारिश ज़्यादा तेज़ होगी तो भीगना तो कंफर्म है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं इसके नीचे सेव रह सकता हूँ, बारिश से बच सकता हूँ और तूफान से भी बच सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं टाइम को वेस्ट नहीं करता हूँ, जल्दी से हैमॉक को पेड़ पे सेट कर देता हूँ। तो नाइफ मैंने पेड़ पे सेट कर दिया है, तो अब जल्दी से ऐसा करता हूँ, सबसे पहले हैमॉक को सेट कर देता हूँ। तो गाइज, आप मशीन की आवाज़ सुन रहे होंगे, तो यहाँ पर जो है ना रोड की कटिंग चल रही है, तो उसकी आवाज़ आ रही होगी, तो आप मैनेज कर लेना। तो अभी तक जिस लोकेशन पर हम जा रहे हैं ना, तो इधर एक साइड अभी रोड नहीं पहुँची है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना दुर्गम क्षेत्र है ये, जहाँ की अभी तक रोड पहुँची नहीं है। तो ऐसी जगह पर आज हम कैंपिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैक भी करना पड़ा हमें, और आजकल रोड की कटिंग चल रही है, तो इस वजह से मशीन की आवाज़ जो आ रही ना बहुत ही तेज़ आ रही है, तो कैमरे में कैप्चर हो रहा होगा मुझे जहाँ तक लगता है, तो आप मैनेज कर लेना इस चीज़ को।
तो गाइस अब ऐसा है कि जल्दी से जाता है लकड़ियों के लिए, क्योंकि लकड़ियाँ अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो पूरी रात मुझे यहाँ पे कैंप फायर तो करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले लकड़ियों का जुगाड़ करना पड़ेगा और बहुत सारी लकड़ियाँ चाहिए होगा। तो यहाँ पे सूखे पत्ते भी बहुत सारे हैं, तो आग तो आसानी से जल जाएगी, लेकिन उसके लिए लकड़ियाँ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाकर मैं पूरी नाइट यहाँ पे सेफ रह सकता। और बारिश वाला मौसम बन रखा और तूफान वाला मौसम बन रखा, तो ऐसे में अगर रात को तेज़ हवा या बारिश कुछ भी होता है तो ऐसे में रात को आग सेक सकता हूँ और ठंडा कम लगेगा उससे। तो गाइज फाइनली लकड़ियाँ भी आ गई है, तो लकड़ियाँ ना इस जंगल में बहुत सारी है। अगर मुझे फिर से दोबारा लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो मैं आसपास बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठा कर सकता हूँ। तो अभी के लिए जल्दी से पहले कैंप फायर करता हूँ और सामान को जल्दी से निकाल के सेट कर देता हूँ। तो गाइस सामान तो मैंने सारे निकाल दिए और सारे अच्छे से सेट भी कर दिए टेबल में। बाकी यार अब ऐसा करता हूँ, जल्दी से यहाँ पे कैंप फायर करने की तैयारी करता हूँ और एक छोटा सा चूल्हा तैयार करता हूँ, जिसमें कि रात को खाना भी बनेगा और रात भर कैंप फायर भी करूँगा। तो गाइस यहाँ पर ना पत्थर के नीचे गुफा जैसा भी बन रखा है, तो इसके अंदर सांप वगैरह भी हो सकता है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा देख कर यहाँ पर चूल्हा बनाना पड़ेगा, जिससे कि दूसरी चीज़ों को भी नुकसान ना हो ज़्यादा। तो अच्छे से पहले चेक कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे चूल्हा रेडी करता हूँ। तो इस पत्थर के नीचे वैसे कुछ भी नहीं है, बस गुफा जैसा बन रखा है, तो यहाँ पे मैं अच्छे से कैंप फायर कर सकता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ ना, अगर मैं कहीं पर कैंपिंग कर रहा तो किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं होना चाहिए मेरी वजह से। तो अब मैं यहाँ पर अच्छे से कैंप फायर कर सकता हूँ। तो मौसम भी आप चेक कर सकते हैं, और आसमान में ना बादल बहुत ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हैं आज, तो रात को बारिश आना तो कन्फर्म है, और जहाँ तक लगता है कि तगड़ी बारिश आएगी। तो जगह पूरी ढलान वाली है, तो कैमरा अच्छे से सेट भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो लोकेशन जो है ना पूरा ऐसे ढलान वाला है ये, तो ऐसी जगह पर कैमरा सेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जो ये सूखे पत्ते हैं ना, इनको मैं डाल दूंगा चूल्हे में, क्योंकि ये आग जलाने में ना बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो गाइस अब ऐसा है कि लकड़ियों को छोटे छोटे टुकड़े करके मैं चूल्हे में सेट कर रहा हूँ इनको, तब जाके आग मस्त जलेगी और जल्दी भी जल जाएगी, क्योंकि जो बारीक टुकड़े होते हैं ना लकड़ियों का, तो उस पर आग जल्दी लग जाता है। और अब धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे मुश्किलें भी बढ़ेगी, क्योंकि रात को ख़तरा तो होगा ही, क्योंकि जंगल जो है ना बिल्कुल घना जंगल है। तो अभी जो आवाज़ आ रही थी, जो रोड की कटिंग हो रही थी ना, तो उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही है यहाँ पे, तो अब थोड़ा सा सही लग रहा। तो इससे पहले जो आवाज़ आ रही कट 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 वाली, तो वो आप मैनेज कर लोगे मुझे पता है। अब ऐसा करते हैं कि जल्दी से पहले कैंप फायर भी कर लेता हूँ, और ठंडा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो पहाड़ों में ये होता है ना, मार्च का महीना चले गया, अप्रैल लग गया, लेकिन अभी भी ये है कि ठंडा हो रहा है। अभी भी हम लोगों ने जो है ना जैकेट है ना अभी उतारा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडा है अभी। तो गाइस फाइनली आप चेक कर सकते हैं, आग बिल्कुल बढ़िया सी जल गई है। कोयल की जो आवाज़ है ना इतनी प्यारी आ रही ना, तो यही सारी चीज़ है ना फील करने के लिए हम लोग कैंपिंग करते हैं, और कैंपिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। तो ये ऐसी प्यारी प्यारी आवाज़ सुन के ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, और बादल के गरजने की आवाज़ भाई इतनी भयंकर आ रही ना, क्या ही बताऊँ। तो मुझे तो लग रहा आज भीगना कन्फर्म ही है, क्योंकि हैमॉक के ऊपर जो है ना कवर नहीं होता है, जिससे कि बारिश से बच सके। तो अभी तूफान तो नहीं हो रहा है,
तो हवा बिल्कुल बंद हो गई है अभी, लेकिन बादलों के गरजने की आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से आ रही है। तो गाइज अब जो है कि कैंप फायर भी बढ़िया सा हो गया है, तो अब पीने की तैयारी करते हैं, कुछ पीने के लिए बनाते हैं। और अब फिर से थोड़ी थोड़ी ना हवा चलनी फिर से शुरू हो गई है। तो ऐसे गाइज हवा भी बहुत ख़तरनाक हो रही है और ठंडा भी बहुत ख़तरनाक लग रहा है। तो ऐसे में ये कि यहाँ पे कुछ पीने के लिए बनाते हैं, कुछ गर्मा गर्म। और लोकेशन पूरा ढलान वाला है, तो चूल्हा थोड़ा सा सही नहीं बना है, तो फ्राई पैन जो है ना वो नीचे को लटक जा रहा है। तो गाइज जो कैंपिंग लैंप होता है वो भी मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। तो इस टेबल का सही सीन है, ये छोटे में भी सेट आ जाता है और बड़ा भी हो जाता है। बाकी यहाँ पे पानी मैंने उबलने के लिए रखा है, तो कुछ सूप वगैरह बनाते हैं या चाय वगैरह बनाते हैं, तो जो मूड करेगा वो बनाता हूँ। बाकी यार आज भाई लोग कोई नहीं आ रखा है, तो सुनसान सा लग रहा और अकेले डर भी लग रहा है और बोर भी हो रहा है। तो भाई लोगों के साथ ही है ना बकैतियाँ हो जाती है, टाइम पास हो जाता है, पता नहीं चलता टाइम का। लेकिन अकेले में ऐसा होता बिल्कुल बोर होता है, अकेले कैंपिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता भी नहीं है। तो गाइज अब ऐसा है कि जल्दी से सूप रेडी करते हैं, तो चाय पीने का तो मन नहीं कर रहा है। चाय हम हमेशा ही बनाते हैं कैंपिंग में, तो मस्त सा सूप बनाता हूँ बिल्कुल गाढ़ा वाला। तो सूप से ये होता है ना बॉडी में गर्मी भी आ जाती है। सूप का नाम पता नहीं क्या है, ये बोलते तो इस वजह से कप सूप है। तो ऐसे जंगल कैंपिंग करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बाकी सूप के पैकेट मैंने इसमें डाल दिए, तो जितना ज़्यादा उबलेगा उतना ज़्यादा ये गाढ़ा होगा। तो गाइस अब ऐसा है कि सूप भी अपना बढ़िया सा रेडी हो गया है, तो अब ऐसा करता हूँ कि जल्दी जल्दी से सूप को सर्व करता हूँ और मस्त सूप का मज़ा लेता हूँ। और ठंडा इतना ज़्यादा लग रहा था अभी तक, अब सूप पीने का मस्त सा गर्म हो जाएगा। तो गाइस जैसा कि अंधेरा भी पूरा हो गया, अब जो है कि लाइट भी जला दिया है। मिर्ची बहुत ज़्यादा है भाई सूप में, और मिर्ची से शरीर में क्या होता है गर्मी आ जाती है फिर। तो गाइस आँख से ना आंसू निकल गया, क्योंकि जो ये सड़ी हुई लकड़ियाँ होती है ना उस पर ना धुआं बहुत ही ख़तरनाक होता है। अभी ऐसे कि हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। तो गाइस पता क्या सीन है, जब हम घर से निकले तो उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि बारिश आएगी या तूफान होगा, मौसम बिल्कुल बढ़िया सा बन रखा था। तो अचानक से बारिश आना शुरू हो गया और हवा चलनी शुरू हो गई थी बीच रास्ते में। लेकिन फिर हमने सोचा जब हवा चल रही तो हवा से होता ना बारिश आना बंद हो जाता है। अभी ऐसा कि फिर से दोबारा बारिश की हल्की हल्की बूंदें ना आनी शुरू हो गई है। तो गाइस सूप अपना फिनिश हो गया और सूप काफ़ी सही हो रहा था ये वाला, और काफ़ी गाढ़ा भी था। बाकी यार अंधेरा भी ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो दोनों साइड से मैंने लाइट जला दी है। तो जंगल का इलाका है, तो जंगल में मुझे आसपास देखते रहना पड़ेगा, इसीलिए मैं टॉर्च भी साथ में लेकर आया हूँ। तो अब खाने की तैयारी भी करता हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो ये बॉयल एग जो कि मैं खाने के लिए लाया था, और बहुत टाइम से मैंने बॉयल एग जो है ना वो खाया भी नहीं था।
पहले तो इनको छिलना पड़ेगा। तो गाइज आग फूकने में इतनी ज़्यादा मेहनत लग रही है ना यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। और अब ऐसा करते हैं कि खाने की तैयारी भी शुरू कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि बारिश भी शुरू हो गई है तगड़ी वाली, और मैं पेड़ के नीचे बैठा का तो ज़्यादा असर हो नहीं रहा है। बाकी बारिश तो बहुत ही ख़तरनाक वाली लग गई है और आग भी नहीं जल रही है, धुआं सीधे गले में चले जा रहा है। तो भाई अब सही करके जल गया, लेकिन धुआं जो है ना मेरे फेस की साइड को आ रहा है। और इसमें डालता हूँ थोड़ा सा नमक, तब जाके खाने में थोड़ा सा सही रहेगा। गाइस ये चीज़ आप चेक कर लो, जैसे मैं टेंट लैंप को धुआं की साइड पे कर रहा ना, तो धुआं का पूरा कलर ही चेंज हो जा रहा है और काफ़ी सही लग रहा है ये चीज़। तो अब ऐसे करता हूँ थोड़ा सा मसाला भी डाल देता हूँ। तो गाइस अब ऐसा है कि अंधेरा तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, तो खाना भी शुरू कर देते हैं। और ऐसे थोड़ा बहुत फूड है मुझे, तो उसी में मुझे पूरी नाइट यहाँ पर सर्वाइव करना है। ऐसा बॉयल एग ना मैं बहुत पहले खाता था और बहुत ज़्यादा खाता था, और आज बहुत टाइम बाद खा रहा हूँ, पूरे 2-3 साल बाद। मौसम का भी कुछ पता नहीं चल रहा, थोड़ी देर पहले बारिश लगी थी तगड़ी वाली, और अभी बारिश बिल्कुल कम हो गई है, हल्की हल्की बूंदा आ रही है। तो मे भी हो सकता है रात को बारिश नहीं आएगी ज़्यादा, और बारिश अगर ऐसी नॉर्मल आएगी ना तो पूरी नाइट सर्वाइव आसानी से हो जाएगा। अगर बारिश तेज़ आ गया तो फिर तबीयत ख़राब होने के चांसेस भी बढ़ जाएगा। ऊपर से इस लोकेशन पर ना आग बिल्कुल भी नहीं जल रही है, तो बिना आग के तो सरवाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो गाइस ऐसा है कि खाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके खा रहा मैं, और एक बंदे के लिए ना बहुत सारी चीज़ें लेकर आया हूँ मैं अकेले। तो थोड़ी देर पहले एग खाया बॉयल एग, तो अब ये है कि स्प्रिंग रोल है, ये भी मैं पैक करा के लाया था, क्योंकि अकेले में ना बनाने वाला सीन ज़्यादा हो नहीं पाता है। तो पहले कप सूप पी लिया बिल्कुल मस्त करके, और फिर बॉयल एग, और अब स्प्रिंग रोल, तो दो रोल है। तो ये रोल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा, तो इसमें अपना पूरा पेट अच्छे से भर जाएगा और अच्छे से सर्वाइव भी हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसा है कि ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐसा कि यहाँ पर आता था ना बिल्कुल ठंडा हो गया, और कट भी नहीं रहा था अच्छे से। ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा इसको खाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। लेकिन पेट भरने के लिए तो खाना ही पड़ेगा। थोड़ी देर पहले जो आवाज़ आ रही थी ना अचानक से गायब हो गया, शायद उसको भी लग गया जंगल में कोई ख़तरनाक इंसान आ गया आज। तो मैं भी यहाँ से गोल हो जाता हूँ, तो वो भाग के चले गया। आंख साफ, लगातार आंसू पे आंसू आगे जा रहा,
क्योंकि धुआं जो है ना बहुत ही खतरनाक हो रहा, और ऊपर से जब आग फूक रहा है तो धुआं गले में चले जा रहा। कि खाना पीना जो भी है हो गया, इसको खाने का मन नहीं कर रहा, तो इसको कहीं पर रख देता हूँ, और रात को अगर जंगली जानवर कोई आ भी गया आसपास तो वो इसको खा लेगा, तो इसको कहीं साइड में रख देता हूँ मैं। और अब यहाँ से उठता हूँ, जब से यहाँ पर बैठा है अभी तक एक बार नहीं उठा, पाँव पूरा दर्द करने लग गया। तो गाइज फाइनली डिनर भी अपना बढ़िया सा हो गया, तो सामान जो है ना मैं बैग में डाल दे रहा हूँ, क्योंकि रात को अगर आसपास जानवर आ गए, लोमड़ी वगैरह आ गई ना, तो वो बर्तनों को भयंकर इतनी दूर फेंक देती है ना, फिर बर्तन ढूंढना ना मुश्किल हो जाता है। तो अभी ऐसा करता हूँ, सामान को अच्छे से सेट कर देता हूँ इसमें। तो टेबल को यहीं पर रहने देता हूँ, और जो टॉर्च है ना तो इसको मैं ले जाता हूँ साथ में, क्योंकि ऊपर से ना आसपास नज़र मारने के लिए हो जाएगा। और अब सबसे पहले आग जला लेता हूँ यहाँ पे। अब जली है मस्सी आग, और अब ऐसे करता हूँ कि जल्दी से हैमॉक में चढ़ लेता हूँ अब, और रात भर ऐसी मस्त आग जलती रहनी चाहिए यहाँ पे। और सबसे बड़ा टास्क यही है हैमॉक में चढ़ना, और ट्राई करता हूँ चढ़ने का। तो गाइस सबसे बड़ा टास्क ना यही होता है पेड़ में चढ़ना, और ऊपर से पेड़ इतना ऊंचा है कि चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा, और मोटा भी है तो हाथ का जो है ना ग्रिप नहीं बन पा रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके चढ़ ही लिया हूँ, और अब यहाँ से हैमॉक पर चढ़ना है। भयंकर सारे सामान तो नीचे गिर गए, फिर से दोबारा नीचे जाकर ऊपर चढ़ना पड़ेगा मुझे। तो फाइनली गाइस जैसा तैसा करके हैमॉक में तो चढ़ गया, और जैकेट ना पूरा ख़राब हो गया, तो जैकेट में जो पेड़ का खाल था ना वो पूरा ऐसे चिपक गया ना, ये तो निकल ही नहीं रहा, और दोनों साइड से, क्योंकि पेड़ में चढ़ने के लिए पेड़ को पकड़ने के लिए बहुत तगड़ा ग्रिप बनाना पड़ता है, तब जाके पेड़ में आसानी से चढ़ा जाता। तो पूरे जैकेट पे पेड़ से ना पूरा खाल चिपक गया, तो इसका निकलना तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है। बाकी यार जस्ट तस करके पेड़ में चढ़ गया, मस्त हैमॉक में चढ़ गया, बाकी थोड़ा बहुत आग भी जली रही है, और जो टेबल है वो और कैंपिंग लैंप मैंने सामने ही रखा है, तो यहाँ पर से जो नज़ारा है ना उसको फील करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो पेड़ों के बीच में लगा रखा, तो दोनों पेड़ों के बीच में ना ज़्यादा गैप नहीं है, तो ऊपर से पूरा कवर सोर का, तो यहाँ पर तो बिल्कुल आसमान भी नहीं दिख रहा है, ऊपर सिर्फ पत्ते पत्ते दिख रहा है। तो काफ़ी सही जगह मिल गया आज हैमॉक को सेट करने के लिए। बाकी यार अब सोने की तैयारी है, डिनर भी हो गया मस्त सा, बस रात अच्छी निकल जानी चाहिए और मस्त नींद आ जानी चाहिए, क्योंकि जंगल में ऐसा होता ना नींद बहुत कम आती है, और आसपास भी कुछ दिख नहीं रहा है आज, और दिन ये होता कि ऊपर आसमान दिख जाता, अगल बगल जो व्यू है वो सब कुछ दिख जाता, लेकिन आज पूरे जंगलों के बीच में तो कुछ भी नहीं दिख पा रहा है आसपास। तो गाइस अब ऐसा करते हैं कि सोने की तैयारी करते हैं, और बाकी आग भी बढ़िया सी जली रखी है, और क्योंकि धुआं बहुत ही ख़तरनाक दिख रहा है, आग तो मुझे नीचे कुछ दिख नहीं रहा है, तो बस धुआं ही दिख रहा है, तो धुआं तो काफ़ी ख़तरनाक उड़ रहा है, तो आग भी जली रखी होगी। तो अब ऐसा करता हूँ कि सोने की तैयारी कर लेता हूँ और सो जाता हूँ बढ़िया करके, इसमें सोने में बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, और बहुत ही अच्छा फील भी होता है, और झूलने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है इसमें, तो ऐसे झूलते झूलते बिल्कुल बढ़िया नींद आ जाती है हैमॉक में।